सो फाइनली दोस्तों आज तक होगा बंद दोस्तों। जी हाँ, हम ये नहीं दोस्तों, ये ट्विटर पे ट्रेंड करता हुआ हैशटैग आपको बता रहे दोस्तों। ये फाइनली एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है गाइज। हम आज इस टॉपिक पे ही बात करेंगे, क्या आज तक रिलेटेड क्या होने वाला, आज तक चैनल का बाइकआउट क्यों किया जा रहा है इतना दोस्तों, और इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी माहौल गर्म है। 130 करोड़ जनता, 130 करोड़ पब्लिक सोशल मीडिया पे जुड़े हैं और ना ही जुड़े हैं। जो न्यूज चैनल से जुड़े हैं उसे जानना है हमारे सुशांत भाई क्या हत्या है या सुसाइड। तो मेन मस्जिद दो ऑप्शन है यहाँ पे, हत्या या सुसाइड, इन दोनों का क्वेश्चन आंसर अब तक हमारे 130 करोड़ देशवासियों को नहीं मिला। पे देखिए डायरेक्ट जो सीबीआई का जांच है, सीबीआई की जांच में अभी तक इसका समन नहीं भेजा गया है रिया चक्रवर्ती को, लेकिन अब तक ये जो है सोशल मीडिया, किसी भी रिपोर्टर मीडिया रिपोर्टर के सामने नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे आज तक ने उसका इंटरव्यू ले लिया, और जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इसके ऊपर। जब से ये इंटरव्यू लिया रिया चक्रवर्ती का, वो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया यूट्यूब पर, और उसके बाद ये ट्विटर पर भी हैशटैग बन के काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। बॉयकॉट सेम ऑन आज तक, आपने जैसा देखा होगा ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस वक्त देखिए ये बहुत ही गलत चीज़ है भाई, किसी को आप अपने प्लेटफॉर्म पे स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि वो अब इस वक्त 130 करोड़ जितने भी पब्लिक हैं हमारे देश के, 130 करोड़ जनता, उसके नज़र में वो अभी अपराधी है। एक अपराधी है रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत भाई के अपराधी है। उसने सारा का सारा डाउट और शक, हमारे 130 करोड़ जनता का पूरा डाउट और शक है कि उन्होंने इसका हत्या किया, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हुए, और अभी तक 130 करोड़ जनता को उसके मुंह से सुनना है कि मैंने ये किया है और कैसे क्या किया है, सारा प्लानिंग सारा चीज़ क्लियर करके सुनना है। और बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी हमारे इंडियन के 130 करोड़ देशवासियों के अंदर में रखा हुआ है, आखिर ये कैसे हुआ, सुशांत भाई का हत्या कैसे हुआ, किसने क्या कैसे क्या कब क्या 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 महाकुंडली भी जानना है, तो जिसकी वजह से अभी सोशल मीडिया का माहौल काफ़ी गर्म है। लेकिन इस बीच जो आज तक ने क्या ये बिल्कुल गलत कर गया, इसे अपना प्लेटफॉर्म को नहीं देना चाहिए था और इसका इंटरव्यू नहीं इसके सामने लाना था इस चैनल पे अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं रिपब्लिक भारत को मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ अभी, और उसका चैनल का बार बार नए नए अपडेट आपको देखने को मिलेगा उस चैनल पर, नए नए उसमें अर्णब गोस्वामी है जो कि काफ़ी हिला के रख देता है पूरा आज तक चैनल, सॉरी इस रिपब्लिक भारत चैनल जो है काफ़ी हिला के रख देता है इस सुशांत भाई को लेकर, मैटर को लेकर, और इसे इंसाफ दिलाने में सबसे बड़ा सपोर्ट अभी रिपब्लिक भारत का चल रहा है फिलहाल। और बड़े बड़े न्यूज चैनल, बहुत सारे न्यूज चैनल जिसका सपोर्ट मिल रहा है इसे इंसाफ दिलाने में, इन सुशांत भाई की हत्या का इंसाफ दिलाने में। लेकिन अब तक हम लोग कंफर्म नहीं हुए हैं हत्या है या आत्महत्या, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है, अभी सातवें दिन है सीबीआई का, देखिए अभी पूरा छानबीन कर रही है। अभी ड्रग्स का मामला आ गया, जैसे आपने देखा होगा एनसीबी की टीम आज दिल्ली से जो है मुंबई के लिए प्रस्थान कर चुकी है, और कल से देखिए इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ रिया चक्रवर्ती के ऊपर ड्रग्स के रिलेटेड, और कल से इसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई होगी और इसका जो है पूरा फेस टू फेस इससे पूरी तरह से पूछताछ की जाएगी। 2 से 3 दिन में एनसीबी की तरफ से पूछताछ की जाएगी, और साथ में ये जो हमारे रिपब्लिक भारत हैं ये सब तो बड़े बड़े चैनल जो काफ़ी इसके पीछे तो लग ही गए हैं, क्योंकि ये ने कुछ ऐसा कदम को उठा लिया जो कभी संभव नहीं था, और ये इतनी बड़ी साजिश को झांपने बंद करने जा रहे थे जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे, और 130 करोड़ जनता के आँख में धूल झोंकने वाले ये थे। कह सकते हो सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई भले ही आपको परेशान कर सकती है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। तो इसी को लेकर दोस्तों अभी देखिए बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज आपको सुनने में मिला होगा आज तक पे, इनको रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आ गया, लेकिन इसमें रिया चक्रवर्ती खुद बोल रही है मैं ये सॉरी कहाँ का फ्लाइट वेलेट था इसके बारे में, सारा कुछ फेल है भाई, प्लानिंग है पूरा, झूठ का झूठ सारा, अभी कुछ भी उसके मुंह से सही शब्द सही जुबान सही सत्य कथन नहीं निकल रहा है, और 130 करोड़ वासी जनता का अभी तक बिलीव और विश्वास उसके ऊपर नहीं हो रहा है कि वो क्या बोल रही सत्य क्या असत्य, सब चीज़ अभी कन्फ्यूजन सा लगा है। लेकिन इसका सारा कुंडली का जाँच सीबीआई निकालेगी, और जब इसके ऊपर एक्शन होगा गिरफ्तारी होगी तब आप लोगों को खुद कन्फर्म हो जाएगा आखिर क्यों इसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया गया, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि इन्होंने हत्या क्या होगा जब हो जाएगा। बहुत सारे इसके डाटा भी डिलीट कर दी भाई, बहुत सारे डाटा जो कि इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, और इसमें संदीप सिंह है और ये रिया चक्रवर्ती है और ये पिठानी कुछ है भाई, ये सब मिलकर एक ग्रुप है, किसका टीम है जिन्होंने मिलकर इतने बड़े चीज़ को अंजाम दिया है, और आज तक हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हम रिपब्लिक भारत को जब से फॉलो किए हैं तो सारा का सारा कन्फ्यूजन मेरा लगभग में दूर हो चुका है, और धीरे धीरे सारा कन्फ्यूजन भी मेरा जो बचा कुचा है सब दूर हो जाएगा, और उम्मीद है आप लोग भी रिपब्लिक भारत को फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी चैनल है और अच्छे अच्छे नए अपडेट आपको सेकंड पे देखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई आज तक वाले चैनल जो ये किया है बहुत बिल्कुल गलत किया है, और जिसकी वजह से जितने भी सुशांत भाई के फैंस फॉलोइंग थे उसको बहुत बुरा लगा, कहीं आप इतने बड़े आरोपी को आप अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं, और उस तरह
तरह से सवाल नहीं पूछ रहे हैं जैसा खुलकर 130 करोड़ वासियों का क्वेश्चन है माइंड में फंसा हुआ, वो सवाल नहीं करके आप कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, क्या इसका मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद होगा। अब अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं कि मुझे नेक्स्ट पार्ट टू लानी चाहिए, तो बिल्कुल हम लाएंगे इसका पार्ट टू। और आपको रिलेटेड, सुशांत भाई से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो